भूख लग रही है, रोटी लागे थे मुर्गे से। आज फिर पी के आ गया सुअर, तेरी माया लग गई है, तेरा बाप यहाँ लग गया मुर्गे। साली बेजुबान औरत, थप्पड़ इतना फेरूंगा गिने नहीं जाएंगे। तेरा रोज का यही है, शराब पीनी और बहू को मारना। तुझसे आज तक हुआ क्या अपनी जिंदगी में? वह न कर तो दिए 11 बच्चे, जोर कर भागी। बच्चों को तेरी कार में घूत दूंगी, तालियां बजवा दूंगी तालियां। ससुरे की जाजी मुझे और इतना है, माँ को चढ़ूंगा तेरी। हाथ मत उठाइए, मैं बता रही हूँ, मिनट 2 लगेंगे, कपड़े फार के थाने में पहुंच जाऊंगी, सब खींचे फिर हो गए। दिमाग की माँ छोड़ रही तू, बेन की भोपल। आइए आइए, तुमने बहुत मेरा जन्म दुखी कर लिया, आज बताऊंगी तुझे मैं जानवर। और तुम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारी माँ नाच रही, क्यों नाच रही है यहाँ पे? आराम के चुदे भैया, मजम्मत बनाने आ जावे। चल बैठ नीचे को, लेट सुअर, तूने बहुत दुखी कर लिए जानवर। परवीन परवीन मरवीन कुछ नहीं है, तुझे आज भी सुला के रहूंगी कब्र में। राम के चुदे, तूने बहुत जन्म दुखी कर लिया। नशा उतर गया, नशा पिएगा, शराब पिएगा, देखेगा बच्चों को आज से। जाहिल, पढ़ाई लिखाई का फिक्र नहीं है बच्चों की, शराब पी ले। मैं तो कहूँ तेरी गांव मार दे जोकर, सब में फिर दिया मारता भाई, लोग की नहीं मार दिया। ए शादी के अबू, ए क्या हो गया? देखे मैंने रात तुम्हें मारा तो उसको नाराज होगा क्या तुम? देखे सुअर थे जैसे भी थे तो मेरे ही। देखे बोलियो क्या हो गया तुम्हें? एक अबू भाई देखे मेरे भैया को फोन लगवा दिया, बहुत परेशान हो रही। हेलो सलीम, देखे भैया घर को आ जाए, तेरे भाई का बोलता बंद है रात से, बड़ी परेशान हूँ मैं अकेली। देखे बोल ना रहे तेरे, क्या हो गया? आ जाए मेरे भैया तू। अरे बाजी क्या हो गया, रो मत, क्या हो गया भाई को? देखे रात से नुके जा रहे थे, मेरी गाल घबरा रही है कि अब पता नहीं क्या हो गया, बोल ना रहे, कर रहा है जाओ बस। रुक जाओ मैं देखूं। अरे भाई बोलो क्या हो गया? अरे बाजी भाई रात सही कह रहे थे, इनकी तो जोकर मार गया, सूजी पड़ी पूरी। हाँ भैया कैसे होगी, कहाँ लग रहा है इसके? ठीक है देखिए, लेके चलो इनको, आइयो कपूर भाई उठवाइयो। उठाइयो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोफिया अंसारी, मेरे थोड़े हैं भाड़ी और मैं अब आ चुकी हूँ लोड़ा कॉलोनी। लोड़ा कॉलोनी में मेरे साथ हैं मौजूद परवीन बाजी। तो परवीन बाजी मेरे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या नाम है? परवीन। तो परवीन बाजी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर जोकर ने किसी के लिए या फिर अफवाहें फैल रही हैं? मेरे आदमी के लिए एक तो, और दो पल्ली पट्टी में मेरी सहेली है उनके आदमियों के लिए। तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिला है आपको? ना कुछ भी ना मिला, देख लो हमारा घर ऐसी खाली पड़ा सारा। नहीं आप ये बात झूठ बोल रही हो, सरकार तो कह रही है कि 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है। अच्छा वो 10 लाख रुपए, वो तो हैंगे मेरे पास। कहाँ है? देखो देखो 5 लाख ही रखे, 5 लाख ही हैंगे। तुम्हें पता ही ना सरकारी काम होगा, लगे तो पड़े हमारा आदमी, लेकिन सरकारी काम और आदमी के लटके रहते हैं। ये बात तो आपकी ठीक है। तो बाजी सरकार से आपको कुछ कहना है? देखो सरकार से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, अगर जोकर है या तो उसको पकड़ो, अन्य तो मुझे ऐसा लगे तो इलेक्शन की चाल है, कोई जोकर पोकर नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जोकर है, जोकर देखा गया कई बार वीडियो में। अगर जोकर देखा गया है तो नेताओं की क्यों नहीं मार रहे हो? नेता लोग तो क्वारंटाइन रहते हैं ना। चलो मैंने माना क्वारंटाइन रहते हैं, परसों रिजवान प्रधान की रैली निकली थी, 100 आदमी थे रैली में, तब क्या जोकर मुट्ठी मार के सो गया था? कहाँ था तब वो? हमसे तो कह दिया क्वारंटाइन रहो, अपने पिछवाड़ों पे ताले लगा लो। तो बाजी जो बात भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, सरकार से मेरा हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि बाजी की बातों पर अमल किया जाए। अब वक्त हो चुका है चुदाई का, मतलब विदाई का, तो ऐसे ही मिलेंगे आपको हम खास खबरों के साथ।